बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं एक ऐसी घटना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जो जलियांवाला बाग से भी बहुत बड़ा कांड मानगढ़ धाम में हुआ था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर यह है। मैं मांग करता हूं और इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना चाहता हूं। उसमें आप सदन और सरकार से मैं मांग करता हूं और इसका महत्व है, दो मिनट आपको लगेंगे ज्यादा स्वीकृति प्रदान करें महोदय जी, कि इसमें वागड़ का जलियांवाला बाग, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जहां दिखती है देशभक्ति और गुरु भक्ति, मानगढ़ धाम आंदोलन में जब अब तक ख्यात नाम जलियांवाला बाग और उससे भी बड़ा जैसा भी बड़ा कांड था और उससे पहले भी हो चुका है, उदयपुर राजस्थान का दक्षिणांचल जनजाति बाहुल क्षेत्र अंचल बांसवाड़ा डूंगरपुर आजादी के इतिहास के एक ऐसी लोमहर्षक घटना का साक्षी है जहां महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 आदिवासी भक्तों ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष कर 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अपना बलिदान दिया था अध्यक्ष महोदय। और यह देश का ऐसा स्मारक है जो गोविंद गुरु और देशभक्ति का एक ऐसा साथ दर्शाता है मानगढ़ धाम, जो राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा से मिली हुई स्थिति है। और मानगढ़ धाम यह पहाड़ ही नहीं, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा सहित गुजरात का मध्य प्रदेश से सरहदी क्षेत्रों में गुरु शिष्यों के यह द्वारा स्थापित धुनिया जागी है, बलिदान की साक्षी है। अध्यक्ष दो मिनट लगेंगे। गुजरात के झालोर तहसील की नटरा पंडेला धुनी कंबोई धुनी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, माननीय कनकवल जी क्या चाहते हैं बताओ। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से ये आदिवासियों ने देश की आजादी की स्वतंत्रता में गोविंद गुरु जी के साथ में अपना संघर्ष करते हुए, यानी कि लोक गीत के माध्यम से इन्होंने जिस तरह से अंग्रेजों से संघर्ष किया है, तो वह स्थान इतना महत्वपूर्ण है जहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी दो बार पहुंच वहां पधार चुके हैं, राजस्थान सरकार ने भी बहुत अच्छा वहां काम किया है, 9 करोड़ का काम किया है, और उधर गुजरात सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा वहां स्थान है, उसको राष्ट्रीय चारों लोग वहां पर आते हैं। किशन जी जो एक सेकंड, मैं जिस तरह से जो मैं दो पंक्तियां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिस तरह से अंग्रेजों से जो संघर्ष कर रहे थे उसे लोक गीत के माध्यम से इनसे ललकारते थे, वो मैं निवेदन करता हूं तीन पंक्तियां आपकी, कि झालोद में मारी कुंडी है, दाहोद में मारी थाली है भूरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो, दाहोद में भारी थाली है अहमदाबाद मारी जाजम है भूरेटिया, नहीं मानू रे मैं नहीं मानू। इस तरह से लोग गीत के माध्यम से वो अंग्रेजों से संघर्ष करते थे और ये कहते थे कि नहीं आप भी सुना दो ये अंग्रेज ये